नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। अखिलेश यादव जी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भाजपा सरकार का आदेश है कि प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सीमा में ना घुसने दिया जाए, ना रेलवे ट्रैक पर चलने देंगे, ना ट्रक दुपहिया से जाने देंगे। भाजपा की गरीब विरोधी नीतियों की लोगों को ये सब काम करने को मजबूर कर रही है। अच्छा हो सरकार गरीब की जिंदगी पर ही रासुका लगा दे। अखिलेश यादव जी ने सोमवार को ट्वीट कर एक वीडियो जारी किया था कि ट्वीट में उन्होंने लिखा था, ये है देश का असली खुद मुख्तार हुनर, जिसे जोड़ तोड़कर सरकार बनाना तो नहीं आता, पर अपनी प्रतिभा से किसी तरह इंतजाम करके अपने परिवार की गाड़ी चलाना आता है। भाजपा देश चलाना कब सीखेगी। कहाँ से आ रहा है? हैदराबाद से आ रहा है। हैदराबाद कितने दिन हो गए आते आते? चार पांच दिन। इसी गाड़ी से? अखिलेश यादव जी ने सोमवार को ट्वीट कर वीडियो जारी किया था और भाजपा की जोड़ तोड़ की राजनीति हमेशा चलती आई है। आप कोई भी राज्य में देख लो, सब राज्य में जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में देख लो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी, उनको गिरा के खुद ने भारतीय जनता पार्टी ने खुद की सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में ऐसा आरोप लगा था भाजपा की सरकार से कि कमलनाथ सरकार ने कुछ नहीं किया था, हमने आके किया। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में श्रमिकों का बहुत बुरा हाल है, और उनको वो विदेश से नहीं आए हैं कि उनको आप रोक रहे हो। आप योगी सरकार की टीम 11 क्या कर रही है? 10-10 प्रशासन ने 10-10 किलोमीटर का जाम क्यों लगाया है? इसका जवाब तो टीम 11 को देना ही पड़ेगा। सिर पर सामान नदी को पार करते श्रमिक का जत्था, क्या यही उत्तर प्रदेश का परिचय है? ये सभी बेबसी के शिकार है। ऐसा तो बेगानों के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। अखिलेश यादव जी ट्वीट करके योगी सरकार को और केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम, पूरी तानाशाही चल रही है, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। तानाशाही से प्रदेश या देश नहीं चलता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों नमस्कार।